वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर आए कर आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है उसके लिए बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का हम सेकंड पेपर लेके आए हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पेपर है, अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, बस वही पढ़ के जाना, बाकी कुछ मत देखना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ मत देखना यार, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सूरज राज बता रहा है ना वही पेपर में छप रहा है। आपने अभी तक हमारे पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी कर लीजिए। और एक न्यू चैनल हमने लॉन्च किया है अभी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ चैनल को, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथ में है। सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चनों के अलावा, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे, कोई आपको गलत साबित नहीं कर सकता जब तक हम आपके साथ हैं। समझ रहे ना, आपको एक बात तो पता होगा कि गलती उसी से होती है जो काम करता है। बेटा याद रखना, गलती उसी से होती है जो काम करता है, और निकम्मों की जिंदगी तो दूसरे की बुराई में निकल जाती है या फिर खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो निकम्मे होते हैं ना उनकी जिंदगी तो दूसरे की बुराई करते हुए खत्म हो जाती है, और जो काम करता है ना गलती उन्हीं से होती है। तो आप थोड़ा संघर्ष कर लीजिए, मेहनत करिए, सफलता 100% आपको मिलेगी, आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो, थोड़ा मेहनत कर लो यार। समझ रहे ना, 85% यदि प्लस चाहिए तो पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, यदि इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के चले गए और लिख के आए तो। समझ रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ देखो, यहाँ वो लगा है पिरोल और पिरिडीन बनाने की विधि, आप देख लेना, पिरोल को बनाने की विधि देखेंगे और पिरिडीन बनाने की विधि, उनके गुण धर्म दोष वगैरह सब कुछ देख लेंगे। और एक आता है ओसोजोन बनाने की विधि, ये आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर में टिक लगा लेंगे, क्योंकि आपको बस यही पढ़ना है, समझ रहे ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन धात्विक यौगिक जिसे हम ग्रिग्नाइट अभिकर्मक कहते हैं। अब आप कहोगे ग्रिग्नाइट अभिकर्मक कैसे बनाएंगे, तो RX+Mg होता है, आपको पता है यही तो होता है R+X+Mg। तो जब RX, आप जानते हैं मैग्नीशियम के जो टुकड़े होते हैं जब ईथर की ऊपर ईथर के मिलन में डाले जाते हैं संघनित्र में फ्लास्क में रखकर, तो हमारा ग्रिग्नाइट अभिकर्मक बनता है, जैसे RMgX इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है उस प्रोसेस के बारे में लिखा जाता है। ग्रिग्नाइट अभिकर्मक आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले से मेंशन कर रखा है, आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। वही बात करें, देखो कार्बन लिथियम यौगिक क्या होते हैं, तो कार्बन लिथियम यौगिक की बात करें तो कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि को आपको देखेंगे। उसके बाद में आता है क्लोनोलिन और आइसोक्लोनिल की संरचना के बारे में आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ लीजिए, ये मोस्ट की इंपॉर्टेंट है। बहुलक क्या होते हैं बेटा, बहुलक के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के बहुलक होते हैं, नंबर एक होता है युगात्मक बहुलक, दूसरा होता है संघनन बहुलक, इन दोनों बहुलीकरण होते हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको। अब देखो युगात्मक बहुलीकरण और एक होता है संघनन बहुलीकरण, इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में आता है ग्लाइकोल की रिंग संरचना के बारे में, ग्लाइकोल की रिंग संरचना क्या है आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लैक्टोज की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, लैक्टोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज की संरचना। उसके बाद में है लैक्टोज की संरचना के बाद में आप देखेंगे ये वाला सुक्रोज की संरचना और गुण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में एक लाइनॉन 6x6 को पढ़ लेना, टेफ्लॉन बनाने की विधि, लाइनॉन 6x6 बनाने की विधि, इसको मेथिल ऑरेंज बनाने की विधि, इसको छोड़ देना है। उसके बाद में आता है सल्फागुएडिनिन बनाने की विधि, आप इसको पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना उसको पढ़ लेना है। और इसके बाद में देखो फिनॉल फेफ्थलीन बनाने की विधि, इनको आप पढ़ेंगे, ये बनाने की विधि जो आप है बहुत ज़्यादा बनता है, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही देखने को मिलता है आपको। और अमीन बनाने की विधि, देखो अमीन बनाने की विधि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि टिड एंड कैसा टर्मिनल और सी टर्मिनल के बारे में आपको देखेंगे, यू कह सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रम और आईएल स्पेक्ट्रम, और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम जो आप देख रहे हैं ना इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और ये डीएनए आरएनए मंत्र, आरएनए की संरचना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका इसमें, तो इसको पढ़ के जाएंगे। विषम चक्रीय योगिक को छोड़ देना, विषम चक्रीय योगिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो सॉरी मैंने इसको गलत लगा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विषम चक्रीय योगिक को आप पढ़ के जाएंगे, विषम चक्रीय योगिक को आप पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अवरक्त स्पेक्ट्रम के आधार पर दो चीज़ पूछता है, एक पूछता है आर्थोपैरा
टॉक्सी बेंजलहाइड के बारे में, एक आपसे पूछता है कि जो कह सकते हैं एसिटोफिनॉल पी एंड मेटा कह सकते हैं या पी एसिटोफिनॉल, ठीक है, पी मेथिल एसिटोफिनॉल के नाम से जानते हैं, इसमें दोनों में अंतर आपसे पूछ लेता है, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अम्ल क्षार के व्यवहार के बारे में पढ़ लेंगे, सल्फा या कह सकते हैं सल्फोनामाइड क्या होता है, सल्फोनाइड बनाने की विधि वगैरह, सल्फोनल बनाने की, सल्फोनामाइड और सल्फोनल बनाने की विधि पढ़ लेंगे, इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो आरएनए की संरचना ऊपर दे सकूँ, न्यूक्लिक अम्ल के घटक को पढ़ लेना है, अमीनो अम्ल अमीनो एसिड क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे आप, अमीनो एसिड को, प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में रंजक क्या होता है, रंजक को पढ़ेंगे, इसको छोड़ देना, और टेरिन बनाने की विधि पढ़ लेंगे, डीएनए आरएनए ऊपर अंतर दे रखा है इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में नीचे जाएंगे, रेजिन जो आता है यूरिया फॉर्मलाडिहाइड क्रिया जैसे रेजिन बोलते हैं, रेजिन बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। फिनोल जो क्या क्या होता है, फिनोल फॉर्मलाडिहाइड जो रेजिन होता है, एक फिनोल होता है एक यूरिया के बारे में होता है, एक फिनोल, तो फिनोल फॉर्मलाडिहाइड रेजिन, एक होता है यूरिया फॉर्मलाडिहाइड क्रिया में रेजिन, इन दोनों के बारे में आप याद करके जाएंगे, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में आता है देखो तेल, तेल का अम्लमान और साबुनीकरण वगैरह, आयोडीन मान और तेल का हाइड्रोजनीकरण मान, इन चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बस ये थे, आप इतने क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलो को अभी सब्सक्राइब कर लेना, पेपर है घर को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, बताइए उन्हें कि पेपर है घर से आप पढ़ाई करिए, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। चलो को अभी सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।